अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सस्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी, सत्यवती को एहसास हो गया अपनी गलतियों का, माता सत्यवती को। अब वो जा रही है पांडु को वापस लाने के लिए और अपनी गलतियों को सुधारने की भी वो पूरी पूरी कोशिश कर रही है। आइए मिलके देखते हैं आगे क्या होता है, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना तो मत ही भूलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। पधारिए महाराज। ये कैसा यज्ञ आरंभ किया है ज्येष्ठ? संकल्प यज्ञ है प्रिय गांधारी, बैठो। नहीं ज्येष्ठ, जब तक यज्ञ का फल क्या हो पता नहीं चल जाता, मैं यज्ञ में नहीं बैठ सकती। प्रिय गांधारी, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता के हृदय में तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के प्रति केवल सुख बसा है, अपने भ्राता पर विश्वास नहीं है। मेरा परिवार मेरे पति और मेरे संतानों में पूरा नहीं होता महाराज, शांतनु का सारा वंश मेरा परिवार है। ओह, तब तो ये तुम दोनों पति पत्नी के बीच का विवाद है। यदि दुर्योधन की जगह पांडु पुत्र को हस्तिनापुर का सिंहासन मिले और उसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो इसकी चर्चा तुम्हें अपने पति के साथ कर लेनी चाहिए। ऐसा क्यों होगा शकुनी? मेरा उत्तराधिकारी तो मेरा पुत्र दुर्योधन ही है। तुम्हारा क्या कहना है गांधारी? मुझे ताक्षरी पर विश्वास है, मुझे राजमाता और विदुर पर पूरा विश्वास है, वो कभी कोई अन्याय नहीं होने देंगे। एक जलाशय सूख रहा था, वहां के मेंढकों को एक दूसरे जलाशय में जाना। एक बगुले ने कहा, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें दूसरे जलाशय तक पहुंचा दूंगा। मेरे मुख में आकर बैठ जाओ। कुछ समझ में आया प्रिय गांधारी? जिन मेंढकों ने बगुले पर विश्वास किया उन्हें जलाशय नहीं बगुले का जटराश प्राप्त हुआ। आज 15 वर्षों के पश्चात राजमाता को अचानक महाराज पांडु का स्मरण क्यों आया? इस बारे में कभी आपने विचार किया है मारा? यही, केवल यही एक विचार मैं इतने दिनों से कर रहा हूं शकुनी। यदि प्रेमवश राजमाता इस यात्रा पर निकली तो उस विदुर को साथ क्यों लिया? अवश्य महाराज पांडु की तपस्या पूर्ण करवाने गई होंगी। महाराज आइए, महाराज पधारिए, संकल्प लेते हैं। क्या संकल्प करवाना चाहते हैं आप ज्येष्ठ? कुरुवंश के टुकड़े? नहीं बहन, मैं तुम्हारे वंश के टुकड़े क्यों करवाऊंगा? महाराज के विश्वास का विद्रोह क्यों करूंगा मैं? मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि महाराज की संतान कौरव कहलाई जाए, उसमें पांडवों का समावेश ना। राजमाता और महामंत्री के लौटने से पूर्व कुमार दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर लिया जाए। यदि मेरी बात योग्य लगे तो विराजिए।
इस बाण को कितने अंतर पर फेंका जा सकता है पिताश्री? इसे तो इस वन के पार पहुंचेगा। उतने अंतर तक तो मैं हाथ से भी फेंक कर पहुंचा सकता हूँ, उसके लिए धनुष की क्या आवश्यकता? फेंकने की बात नहीं भ्राता भी, लक्ष्य भेद करने का प्रश्न है। कितने अंतर पर लक्ष्य बिंदा जाएगा पिताश्री? धनुष में शक्ति मनुष्य की होती है, मनुष्य में धनुष की शक्ति नहीं होती पुत्र। शास्त्र उतना ही लाभ देता है जितना मनोबल हो, शास्त्र उतना ही लाभ देता है जितना आत्मबल हो। मैं समझा नहीं पिताश्री, मनोबल क्या होता है? पवन जब तीव्र गति से चलती है तो वृक्षों को झंझोर देती है, जो वृक्ष उखड़ जाता है वो ईंधन बन जाता है, और जो भूमि से जुड़ा रहता है वो कुछ समय पश्चात फिर नए पत्ते और फूलों को जन्म देता है, और वो वृक्ष का मनोबल कहलाता है। जब परिस्थितियां कठिन हो तब भी मनुष्य को धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए पुत्र। और आत्मबल क्या होता है? जब भूमि के कीड़े और जंतु वृक्षों को काटने तथा खाने का प्रयास करते हैं तो कुछ वृक्ष मर जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जिसे भूमि के जंतु खा नहीं पाते, वो वृक्ष का आत्मबल है। जब मनुष्य के हृदय में पाप जन्मे और उसे भीतर से खाने का प्रयास करे तब उसे अपने भीतर के रोग के सामने पराजित नहीं होना चाहिए। अर्थात बाहर की परिस्थितियों के सामने मनोबल रक्षण करता है और भीतर के सामने आत्मबल रक्षण करता है। अद्भुत पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है। एक दिन तुम अवश्य हस्तिनापुर के सबसे योग्य राजा बनोगे पुत्र। राजमाता, आपके भोजन एवं विश्राम का प्रबंध यहाँ करवाया है, एवं आपका आसन नदी के उस तट पर किया गया है। मुझे विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं है विदुर, किंतु सैनिकों और परिचारकों को विश्राम करना होगा। बहुत वर्षों तक राजभवन की सुविधाओं में रही हूँ मैं, किंतु एक पल के लिए भी विश्राम का अनुभव नहीं हुआ। शायद मन दौड़ते रहता है तो शरीर भी थकते रहता है, किंतु आज जैसे एक योग के निर्णय ने शरीर की सारी श्रम पीड़ा ही मिटा दी। भ्राता पांडु को तो आपने इससे पूर्व भी सिंहासन पर बिठाया था राजमाता, ये तो नियति का चक्र ऐसा घूमा। नहीं विदुर, दोष नियति का नहीं है। यदि मेरे निर्णय अयोग्य होते तो मैं स्वयं को क्षमा कर पाती, किंतु मेरे निर्णय के पीछे जो कारण थे वो सदा अयोग्य थे। मेरे मन में स्नेह तो था, किंतु स्नेह को मैंने स्वार्थ की सीमा में बांध कर रखा था। वो नदी देख रहे हो विदुर, उसका प्रवाह बहता तो तट के बीच है, किंतु उसका जल भूमि से उतरकर दूर उस वन के वृक्ष तक पहुंचता है। राजमाता का जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है विदुर, वो रहती तो अपने परिवार के बीच है, किंतु उसका स्नेह आदर यदि राष्ट्र तक नहीं पहुंचा तो व्यर्थ है उसका जीवन, व्यर्थ है उसकी सत्ता। तो क्या प्रातः पांडु आपकी बात मानेंगे राजमाता? क्या अपनी तपस्या का त्याग करेंगे वो? मानेगा, अवश्य मानेगा पांडु, मैं मनाऊंगी उसे। ये निस्वर्ग वसंत में खिले फूल पत्र, वृक्ष के पल्लव, पशु पक्षियों का उत्साह, ये सब दिखाऊंगी मैं उसे। मैं कहूंगी उससे कि यदि यही वसंत हमारे प्रजा के जीवन में उतारना है तो उसे अपने प्रतिज्ञा का त्याग करना ही होगा। और विदुर, वसंत में तो भगवान शिव का तप भी क्षण भर के लिए टूट गया था, पांडु का तप भी अवश्य टूटेगा। Thank you.
माता, माता। सहदेव, क्या हुआ पुत्र? मैं नहीं जानता माता, पर हृदय अकड़ाने लगा है। पिताश्री के साथ अवश्य कोई अनिष्ट हुआ है। क्या बात है जी, राजमाता जा रही है पांडू को लेने, लेकिन पांडू शायद वो अपनी जो उसने वो शराब दिया हुआ था उसको वो तोड़ने वाला है, और जो उस शराब की वजह से उसकी जान जा सकती है। लग तो ऐसे ही रहा है कि वो अब जो अपनी दूसरी पत्नी है माधुरी, वो उसको इंसान है उस समय में आके वहाँ पे माइल ज़रूर हो जाता है जिस चीज़ों के, चाहे उसकी रोक भी लगी हो, जान जाने का भी खतरा हो, कब तक अपने आप को रोक सकता है? इतने सालों तक रोका है, लेकिन वो होना होता है, होना होता है, वो होकर ही रहता है, शायद वो यही होने वाला है। भाग्य में जो लिखा हो वही होता है उसका, वो जो उसने जो कसम उठाई हुई है। अगर पांडु वापस नहीं जाता, पांडु पुत्र ही वापस जाएंगे, तो वहाँ पे सिंहासन पे तो फिर पांडु नहीं बैठेगा, तो क्या होने वाला है? फिर धृतराष्ट्र ही है, फिर उसके आगे जो है वो दुर्योधन ही है, तो फिर समझने के मामला गड़बड़ है, और शायद ये गड़बड़ रहेगा, फिर ही जाके आगे महाभारत युद्ध जो है वो होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, देखेंगे यही चीजें हैं कि वो जैसा कहते हैं ना, जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है, तो जो तकदीर में लिख चुका है वही होना है, जैसे वो महाभारत यानी कि लिखी है हुई है, तो वैसे जो जो कह लो को कड़ियाँ जो कड़ी से कड़ी मिली हुई है वो वैसे कड़े। अब राजमाता को तो नहीं ना पता कि मेरे जाने से पहले वो पांडु जो है वो अपना जो श्राप है वो तोड़ बिल्कुल जी। अब राजमाता सब अच्छा करना चाहती है, तो लेकिन अच्छा अब उसके बस में होगा नहीं कि वो उसको अच्छा कर सके। तो यही होता है कि एक इंसान जब होता है अपने नफ्स की बात सुनता है तो ज़मीर की बात नहीं सुनता, तो एक वक्त आता है कि जब उसका जो ज़मीर है उसे झंझोड़ता है, फिर उसकी आंख खुलती है, फिर वो अपने ज़मीर की सुनता है, लेकिन वो देर हो चुकी है, इसलिए मिसाल बनी हुई है, फिर पछताया है क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, तो अब तो वो जो चिड़ियाँ जो हैं वो खेत चुग रही हैं, और जो है वहाँ पे धृतराष्ट्र महाराज वो अपने निर्णय ले रहे हैं, और जो शकुनी जी हैं वो उनके साथ जो है ना अपने ही लय में लगे हुए हैं। बिल्कुल नहीं, देखें अब यहाँ पांडु भी अपने बच्चों को कहता है कि तुम सबसे योगी राजा बनोगे। वहाँ पे वो भी कहता है कि मेरा जो उत्तराधिकारी है वो मेरे ही पुत्र बनेंगे। और दूसरी तरफ देखिए कि जो पांडु के पुत्र हैं वो जो गेम खेल रहे हैं वो पिट्ठू गोल कर, क्या आप लोगों ने खेली हुई है या नहीं? क्योंकि अब ये गेमें तो रही नहीं, लेकिन देखिए ये कब से गेम चल रही है, उन्होंने इसमें भी शामिल किया है उसको। बिल्कुल जी, और यही सारी चीजें, और लूडो भी दिखाई उन्होंने, वो शकुनी वाली बिल्कुल जी, वो सारे खेल उस वक्त का ये सादा खेल हुआ करते थे। हमारे यहाँ इसको पिट्ठू गोल गरम कहते हैं, आप क्या इसको क्या कहते हैं ये जरूर बताइएगा। चलिए जी, बहुत जबरदस्त था आज का एपिसोड, आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।